नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिक इन्फॉर्मर में। तो भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो तीन मैचों की टी20 श्रृंखला थी उसको 2-1 से अपने नाम कर लिया है। वहां पे शुभमन गिल ने शानदार सबकी पारी खेली थी, और जब हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल अपने आप में बात कर रहे थे, उसका लाइव इंटरव्यू जब BCCI टीवी ने जो साझा किया है उसमें शुभमन गिल ने अपने सबकी पारी का राज खोला है। जी हाँ, अगर हम इस इंटरव्यू की बात करें तो उसमें जब हार्दिक पांड्या ने पूछा कि आपके इतने बेहतरीन बैटिंग का राज क्या है, तो शुभमन गिल ने जवाब दिया कि मेरे बैटिंग के पीछे मेरे पापा हैं, उन्होंने जो हार्ड वर्क मुझे सिखाया है, जिस हिसाब से वो मेहनत करते थे मेरे पीछे, उस हिसाब से मुझे हार्ड वर्क करने का बहुत आदत हो गया है, और जितना ही हार्ड वर्क आप करोगे उतना ही लाइफ में सक्सेसफुल होगे। फिर हार्दिक पांड्या ने दूसरा सवाल पूछा कि काफ़ी प्रेशर था, T20 में रन नहीं आ रहे थे आपके बल्ले से, फिर आज कैसे वो कॉन्फिडेंस आया कि आपने इतनी बेहतरीन पारी खेल दी। तो शुभमन गिल ने काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाब दिया। गिल ने कहा कि इसके पीछे आपका हाथ है, जिस हिसाब से आपने कॉन्फिडेंस दिया मैच से पहले, आपने आकर मुझसे बोला कि जिस हिसाब से आप खेलते हो उसी हिसाब से तुम खेलो, यहाँ पे कोई भी मतलब ये नहीं है कि एक्स्ट्रा करना है सिक्स मारने के लिए, सबका अपना अपना स्टाइल होता है छक्के मारने का, आपका अपना यूनिक स्टाइल है, अपने स्टाइल पे स्टिक करो, जो गेम आप खेलते हो वही गेम खेलो। तो जो एडवाइस आपने मुझे दिया वो बहुत काम किया, और मैंने उसी हिसाब से गेम को अपने चलाया, पहले पावर प्ले में जो भी फील्ड रिस्ट्रिक्शन था उसका फ़ायदा उठाया, फिर एंकर किया, फिर लास्ट में हिटिंग की अपने स्टाइल को बैक करते हुए, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बैक करते हुए। तो शुभमन गिल ने बताया इंटरव्यू में कि हार्दिक पांड्या ने उन्हें काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया, और वो कॉन्फिडेंस उनको तीसरे मैच में काफ़ी कारगर साबित हुआ एक लंबी पारी खेलने में। शुभमन गिल ने वाकई एक लाजवाब पारी खेली थी और कई सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए थे। अगर फिर शुभमन गिल ने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा हार्दिक पांड्या से, तीसरा सवाल था और लास्ट सवाल भी था इस इंटरव्यू का, उसमें शुभमन गिल ने पूछा कि आपने मुझसे बोला था कि मैं कुछ स्पेशल बॉलिंग में करने वाला हूं, और तो वो स्पेशल चीज क्या थी जो आपने तीसरे मैच में बॉलिंग में की। तो हार्दिक पांड्या ने जवाब दिया कि वहाँ विकेट लेना तो एक अच्छी बात है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, लेकिन मेरा एम था कि मैं अपना सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी आज के मैच में डालूं, और वो मैंने डाल दिया, जो कि मुझे उससे बहुत ही खुशी प्राप्त हो रही है। अगर बात करें हार्दिक पांड्या के फास्टेस्ट डिलीवरी की, इस पिछले मैच में उन्होंने जो तीसरा T20 मैच था वहाँ पे 145 किलोमीटर की गति से गेंद फेंकी थी, और वो उनकी फास्टेस्ट डिलीवरी थी इस श्रृंखला की। तो हार्दिक पांड्या इसको फेंकने के बाद काफ़ी ही खुश दिख रहे थे, और जाते जाते हार्दिक पांड्या ने सभी युवा क्रिकेटरों के लिए एक बेहतरीन संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि हार्ड वर्क करिए, हार्ड वर्क के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है कि आप सक्सेस पा जाएं। सक्सेस पाना है तो आपको हार्डवर्क करना है, अपने आप पर विश्वास करना है कि आप कर सकते हो, और हार्डवर्क की तरफ आगे बढ़ते रहना है। तो ये मैसेज भी सभी युवाओं के लिए हार्दिक पांड्या ने साझा किया, और इस वीडियो में इतना ही था कि सुमन गिल ने अपने पारी का राज खोला, वहीं हार्दिक पांड्या ने बताया कि सक्सेस कैसे मिल सकता है और वो क्या चाहते थे उस दिन करना, और कर भी गए। और अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े ही। आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।